बकरीद को लेकर रानीगंज के निमचा पुलिस फाड़ी में शांति बैठक की गई। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि, मस्जिद कमेटियों के प्रतिनिधि समेत अलग अलग क्षेत्रों के लोग मौजूद थे। बकरीद पर्व शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से मनाने की अपील की गई। आगामी 21 जुलाई को बकरीद पर्व मनाया जाएगा और बकरीद को लेकर शुक्रवार की संध्या रानीगंज थाना अंतर्गत निमचा फाड़ी परिसर में शांति कमेटी की बैठक की गई। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है। शुक्रवार की शाम निमचा फाड़ी में शांति बैठक की गई। इस बैठक में इलाके के सभी मस्जिद कमेटियों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यवसायिक कमेटियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए रानीगंज थाना प्रभारी अजय कुमार मंडल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सर्वप्रथम हम लोगों को कोरोना से बचना होगा। इसके लिए हमें कोरोना नियमों को पूर्ण रूप से पालन करते हुए त्योहार को मनाना होगा। हमें ज्यादातर घर में रहकर ही त्योहार मनाना चाहिए। ईद उल जुहा के मौके पर सभी मस्जिद कमेटियों द्वारा मस्जिद को सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था करवानी होगी। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ना होगा तथा बिना मास्क के मस्जिद में प्रवेश वर्जित रहेगा। इन सब चीजों का मस्जिद कमेटी ध्यान रखेंगे। रानीगंज पंचायत समिति के सभापति विनोद नोनिया, निमचा फाड़ी प्रभारी मैनुल हक, उप सभापति देवराज मिश्रा, रोटी बाटी ग्राम पंचायत के प्रधान सुरेंद्र प्रसाद नोनिया, जेमेरी ग्राम पंचायत प्रधान शिल्पी माझी, तिराट ग्राम पंचायत प्रधान लक्की हेम्ब्रेम समेत इलाके के सभी मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधि के साथ इलाके के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हुए। जे रकम सिचुएशन আছে, কোভিড সিচুয়েশন আছে, এই সিচুয়েশনটা আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমরা উৎসব আনন্দ যেটা করছি সেটার জন্য কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল মানে কোন রকম গভর্নমেন্টের ইয়ে থেকে কোনো আগে যেরকম আসতো আমরা পারমিশন নিতাম, বিভিন্ন ইয়েতে থানার পারমিশন হতো, ইয়ে হতো, লাইসেন্স হতো, এই জিনিসগুলো কিন্তু এখন পুরো বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ আছে। একটাই কারণ হচ্ছে কি, কোভিড সিচুয়েশন, এইটাকে প্রায়োরিটি দিন আপনারা। আবার শোনা যাচ্ছে যে থার্ড ওয়েভ আছে, থার্ড ওয়েভ মানে আগাস্টে रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।